एक स्त्री सारे रिश्ते को कितने अच्छे से संभालती है। माँ, बेटी, बहन, पत्नी, हर भूमिका को वह अच्छी तरह से निभाती है। इतना ही नहीं, वे परिवार के साथ साथ समाज और देश की तरक्की में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम ऐसी ही एक महिला से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने समाज को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। करीब 25 वर्ष पहले मात्र 3 मंदबुद्धि बच्चों से शुरू हुआ यह सफर आज सैकड़ों की संख्या पार कर चुका है। ऐसे बच्चे जिन्हें स्वीकारने में सिर्फ समाज ही नहीं, यहाँ तक कि उनके माता पिता खुद सहज नहीं होते। ऐसे बच्चों का हाथ सीमा परिहार ने थामा और आज वह बिना किसी सहायता के अपने दम पर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में जुटी हुई है। उनके जीवन में कई विषम परिस्थितियां भी आई, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और इन सब परिस्थितियों का सामना पूरी ताकत के साथ किया। सितारे तुझ में डूब गए, तेरा बसेरा सब की भलाई में जग। यह सीमा परिहार के प्रयासों का ही नतीजा है कि सूरज विद्या निकेतन के दरवाजे समाज के निशक्त बच्चों के लिए हमेशा खुले हैं। जब एक महिला अपने घर की चार दीवारी से निकलकर समाज के लिए कुछ करना चाहती है तो उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपने परिवार के सहयोग की। सीमा परिहार अगर आज इतना कुछ कर पाई है तो यह सब उनके परिवार के सहयोग के कारण ही मुमकिन हो पाया है। पेश है निशक्त बच्चों को सशक्त बनाने वाली सीमा परिहार से खबरवान न्यूज की संवाददाता ट्विंकल कालानी की खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं ट्विंकल कालानी और आप देख रहे हैं खबरवान न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हम आज मिलने वाले एक ऐसी महिला से जो समाज के मानसिक निशक्त बच्चों को आत्मनिर्भर बना रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। सीमा परिहार जी, हमें बताइए कि आपने इस सफ़र की शुरुआत कैसे की। मैम, मैंने इन बच्चों को आसपास देखा, अपने फ्रेंड्स वगैरह सर्कल में गई तो मैंने ऐसे बच्चों को देखा, तो इनको देखकर मेरे मन में इच्छा जागृत हुई कि इन बच्चों के लिए कुछ किया जाए। वो सोचकर मैंने सोचा अगर इनके लिए कुछ किया जाए तो उसके लिए कुछ स्पेशल ट्रेनिंग्स वगैरह करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैंने कोशिश करी कि यहाँ पर ट्रेनिंग का पता करा कहाँ पर ट्रेनिंग होती, और मैंने ये ट्रेनिंग करी 96 में। जी, आपने पहले ये ट्रेनिंग की, उसके बाद संस्था की शुरुआत की मैंने। ओके, तो इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई। आसपास ऐसे बच्चे देखे, उनको देखकर मेरे मन में इच्छा हुई कि इन बच्चों के लिए कुछ किया जाए। नॉर्मल के लिए तो सभी कोई करते हैं, लेकिन स्पेशल बच्चों के लिए करना, कुछ मन में मेरा ऐसा था कि कुछ किया जाए इन बच्चों के लिए। तो उसके लिए मैंने 2 कमरों से अपनी संस्था की शुरुआत की, 2 कमरे और 2 बच्चों से मैंने संस्था की शुरुआत की। धीरे धीरे मेरे संस्था में बच्चों की संख्या बढ़ती गई। पहले मैं अकेली स्पेशल थी, उसके बाद मैंने धीरे धीरे स्टाफ भी बढ़ाया और उन बच्चों को विशेष ट्रेनिंग द्वारा उनको ट्रेन करना शुरू किया मैंने। तो परिवार की सारी जिम्मेदारी निभाते हुए समाज के लिए समय निकालना, इनके लिए काम करना, क्या ये मुश्किल नहीं था आपकी? बहुत मुश्किल था मैम, बहुत मुश्किल था। मेरा छोटा बेटा 3 साल का ही था और बड़ा बेटा उससे 2-3 साल बड़ा था। तो छोटे बच्चों को मैं यहाँ इंदौर छोड़ के गई, मैंने भोपाल से ट्रेनिंग की। सास भी मेरी बुजुर्ग थी, उन सबको देखते हुए सारी पारिवारिक जिम्मेदारी भी निभाई, ट्रेनिंग भी की और इन बच्चों को भी देखा। और इसमें मेरे परिवार का और मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा सहयोग है, और उनके बिना मैं अकेली ये कुछ भी नहीं कर सकती थी। सहयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है, समाज का भी सहयोग है उसके साथ। समाज भी मेरे से जुड़ा हुआ है, उन लोग का भी सहयोग है। उन लोग ने समय समय पर मेरे को मदद की, सहयोग प्रदान किया, तो मैं यहाँ तक पहुँची। तो इस सफ़र में क्या कठिनाइयाँ आई आपके रास्ते में? कठिनाइयाँ तो मैडम आती है, कोई भी अच्छा काम करने जाए तो कठिनाइयाँ तो आती हैगी। उसमें सबसे पहले परेशानी तो मेरे को ये आई कि जगह की परेशानी आई। घर छोटा सा था, उसमें स्कूल मैनेज करना बहुत मुश्किल था। फिर भी हमने सोचा कि नहीं, थोड़े में अपन रहेंगे और थोड़ी सी जगह में स्कूल तो मेरे को मतलब करना ही है चालू संस्था, तो मैंने चालू की। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत आई मैम इसमें मेरे को, मतलब छोटी सी नौकरी थी इनके बैंक में,
उसमें स्कूल चलाना, मैनेज करना, और फिर निःशुल्क चलाते हैं हम स्कूल मैम बिल्कुल, तो उससे करना तो फाइनेंशियल काफ़ी प्रॉब्लम आई। फिर बीच में मेरे को शारीरिक परेशानियाँ भी काफ़ी आई, मेरे को प्लेटलेट्स करके बीमारी वो मेरे को हो गई थी। वो सब देखते हुए भी डॉक्टर ने बिल्कुल रेस्ट बोला था कि आपको चलना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना, लेकिन मेरे को इन बच्चों से बहुत हिम्मत मिलती मैम, मतलब ये मेरी ताकत है बच्चे बिल्कुल, वो हाँ बहुत ताकत है। और इनको देख के मैंने बोला कि मेरे को ये तो काम करना ही है। वो शारीरिक परेशानी सब देखते हुए भी मैंने इन बच्चों को पढ़ाया, इनको ट्रेनिंग दी, और आज मेरी संस्था में 35 बच्चे हैं। जैसा हम देख रहे हैं आपको काफ़ी इस काम के लिए काफ़ी अवार्ड मिले हैं, और हमने ये भी सुना है कि राष्ट्रपति द्वारा भी आपको पुरस्कार मिला है जी, इसके बारे में आप बताइए कि आपको कैसा लगता है? मैम इतना अच्छा लगता है, मेरे लिए एक सुखद सपना है ये, मेरे को ऐसा लगता है मैंने कभी सोचा नहीं था मेरे को ये इतना बड़ा पुरस्कार मिलेगा, मतलब मैंने मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना है सुखद कि इतना पुरस्कार मिलना, मतलब मैंने जो अभी तक करा मेरी मेहनत मेरे को लगा कि सफल रही बिल्कुल, तो मेरे को बहुत खुशी है। राष्ट्रपति जब वो मेरे पास लेटर आया कि राष्ट्रपति पुरस्कार मिलेगा, तो मेरे को लगा कि ये मेरे लिए सपना है एकदम, ये मतलब कोई नई बड़ी बात नहीं है कि ऐसा होना, पर हुआ तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर 100 महिलाएँ, मतलब पूरे भारत में से 100 महिलाओं में आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी आप मध्य प्रदेश में ऐसी 3 चुनिंदा औरतों में चुनी गई थी जी, तो आपके आगे के क्या भविष्य की क्या योजनाएं हैं? सबसे पहले तो मैडम इन बच्चों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहती हूँ मैं, और इन बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना और समाज की मुख्य धारा में जोड़ना ही मेरा उद्देश्य है, ताकि आगे चल के सेल्फ डिपेंड हो सके और अपने आप में कुछ रोज़गार मिल सके इनको। जानते हैं महिला दिवस है, तो इस मौके पे आप जो हमारे समाज की महिलाएं हैं जो घर के कामों में उलझी रहती है और अपनी पहचान नहीं बना पाती और समाज के लिए काम नहीं कर पाती, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? मैं बस उनके लिए यही बोलूँगी घर भी संभालो, लेकिन घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है महिलाओं का। आज हर क्षेत्र में महिलाएँ आगे, खेल के क्षेत्र में इंजीनियर डॉक्टर सब कुछ तो महिलाएँ कर रही है, तो आप घर भी संभालें और समाज से बाहर भी निकलें और कुछ अपनी पहचान बनाएं, इसलिए समाज मतलब घर से बाहर निकलना ज़रूरी है मैम, तभी अपन अपने आप में अपनी शक्ति का अपन वो बता सकते हैं कि हम शक्तिशाली हैं, हम सशक्त महिलाएं हैं, तो वो जरूरी। महिलाओं को मैं यही संदेश दूंगी कि आप घर परिवार भी संभालिए लेकिन कुछ समय अपने समाज के कार्यों में दीजिए। धन्यवाद जी। तो देखा आपने सीमा परिहार जी से हमने आज मुलाकात की, उन्होंने हमें बताया कि किस तरह महिलाओं को अपने घर से बाहर निकलना चाहिए, समाज के लिए कुछ करना चाहिए, इन जिम्मेदारियों के साथ समाज के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। महिलाओं के पास कई तरह के काम होते हैं, लेकिन इनके साथ समाज के लोगों के लिए कुछ करना ये कोई कर पाता है, और इन कोई में हम सभी महिलाओं को जुड़ना है, अपने आप को इस काबिल बनाना है कि हम समाज को जो दे रहे हैं उसमें हम आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए, धन्यवाद।